$350 वाला कॉइन जो कि पाई कॉइन है, अभी इसकी वैल्यू करीब $38-40 के आसपास चल रही है। वैसे देखा जाए तो ये कॉइन वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, पॉलीगॉन, बेबी डॉज, इथेरियम, उन्हीं में से एक एक पाई नेटवर्क भी आता है, यानी कि टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक ही चल रहा है। यहाँ तक कि कुछ दिन पे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम पाई की बात करें तो ये टॉप ट्रेंडिंग यानी कि फर्स्ट रैंक पर भी रहा है। तो आखिर पाई नेटवर्क अभी किस तरफ मोड़ लेने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जो चर्चा है इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इंडिया में पाई नेटवर्क की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो अगर आपने भी पाई कॉइन बाय किया हुआ है या फिर आपने बहुत ज़्यादा होल्ड कर लिया है, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास कितने पाई कॉइन्स हैं, नीचे कमेंट करो। इसी के साथ आप अपना यूज़र नेम यानी कि रेफरल लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि अगर किसी ने पाई नेटवर्क के ऊपर साइन अप नहीं किया है तो वो आपके लिंक से साइन अप कर पाएँ और आप सभी मिलकर अच्छे तरीके से पाई की माइनिंग भी कर पाएँ। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉर ऑफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता रहता हूं। जैसे कि आज मैंने आपको दिन में ही बता दिया था, सुबह ही बता दिया था कि BTC का प्राइस $27,300 के आसपास जाने वाला है, और आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली $1,000 का प्रॉफिट आज के दिन ही हमने देख लिया BTC में। तो ये इसका एनालिसिस जो मैंने किया, ये पूरे वीक का एनालिसिस है, सिर्फ आज का नहीं है बल्कि सैटरडे संडे तक है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं लास्ट वीडियो में। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप सामने देख सकते हैं पाई कॉइन ट्रेंडिंग कॉइन्स इन ब्राज़ील, पिछले 24 घंटे के अंदर ब्राज़ील में चौथे नंबर पे पाई कॉइन चल रहा था, और पाई नेटवर्क जल्दी अपना मेननेट लॉन्च करने वाला है, जिसकी वजह से पाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो रहा है, और कई जगह पे आप देख सकते हैं ये नंबर वन पे भी रहा है, यानी कि टॉप रैंक रहा है, BTC से भी पहले रहा है। इतनी बड़ी पोटेंशियल है इस कॉइन की, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉइन हमें दिखा चुका है कि इसमें कितनी ज़्यादा वैल्यू है, जो कि $300-330 तक ऑलरेडी जा चुका है, हालांकि वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, अभी हम देख सकते हैं कि सिर्फ $30-40 के आसपास ही चल रहा है। और ये आपको कॉइन मिल जाएगा कई सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर, जैसे कि STX यानी कि हॉबी ग्लोबल है, बायकॉनमिक एक्सचेंज है, बिटमार्ट है, तो अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन इसके मेननेट आने की वजह से इसकी वैल्यू बहुत ही फास्टली ग्रो होने वाली है। यही कारण है कि अभी इंडिया में भी कई सारी मीटिंग्स चल रही हैं, आप सामने कुछ फोटोज देख सकते हैं पाई नेटवर्क की मीटिंग्स चल रही है, जो कि इंडियन कम्युनिटी के द्वारा करी गई हैं। तो इन मीटिंग्स में कई सारे लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ऐसा है कि ये एक पूरा टीम वर्क रहता है, यानी कि टीम वर्क रहने की वजह से आपके जो पाईज हैं वो भी बढ़ते हैं, पाई कॉइन्स आपके हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी बढ़ ही रही है, यानी कि जैसे बुलरन आएगा, बुलरन के साथ साथ आप इसमें देख पाएंगे कि कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कम से कम आपको 10x का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई ही इससे 11 गुना है। अभी हम देख सकते हैं कि वियतनाम ने पब्लिश किया 3000 लाइसेंस बुक्स, जिनका नाम है पाई नेटवर्क द फ्यूचर ऑफ सोशल वर्चुअल करेंसी ऑन Web3। तो ये मार्केट में उन्होंने बुक्स लॉन्च करी है, जिससे पाई नेटवर्क की और भी ज़्यादा हाइप बन चुकी है। तो ये बुक्स खासकर इसलिए लॉन्च करी गई है कि अगर किसी को पाई नेटवर्क के बारे में, इस वर्चुअल करेंसी के बारे में या Web3 के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनको ब्लॉकचेन को लेकर या फिर Web3 को लेकर पूरी नॉलेज भी मिले, इसी के साथ पाई नेटवर्क के इस मैकेनिज्म को वो समझ पाएं कि ये वर्चुअल करेंसी किस तरीके से काम कर रही है। तो हमने इंडिया की बात करी, वियतनाम की बात करी, इसी के साथ ताइवान में, चाइना में, हर जगह पे पाई को माइन किया जा रहा है। अब मेन जो सबसे बड़ा इवेंट इसका आने वाला है वो है पाई नेटवर्क का जो मेन नेट है वो लॉन्च होगा। ये मेन नेट लॉन्च होने के साथ साथ इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये डिले तो हुआ है लेकिन ये Q4 2023 के अंदर लॉन्च हो जाएगा। Q4 की बात करें यानी कि अगले ही महीने, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच बीच में ये लॉन्च हो जाएगा, जिससे डेफिनेटली वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, एंड होपफुली तब तक जो मार्केट है ये भी रिकवर हो जाएगी, यानी कि बेरिश से ये थोड़ा बेटर मार्केट हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर ग्रीड बढ़ जाएगा मार्केट में, जिससे बाइंग भी बहुत तेज़ी से आने वाली है पाई कॉइन की। लेकिन सच्चाई देखें तो जितने भी मोबाइल पर क्रिप्टो माइनिंग करने वाले पाई नेटवर्कर्स हैं, उनका धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है वो लूज़ होता जा रहा है, क्योंकि पाई मेन नेट की लॉन्च पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो एक्चुअल में कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है वो हमेशा वेट करते हैं कि कब मार्केट अच्छा परफॉर्म करे और वो अपना जो बड़ा इवेंट है वो कर पाएं, वरना काफ़ी सारे अच्छे इवेंट जैसे कि शिबा उनका हम देखते हैं कि जब भी बड़ा इवेंट आता है तब मार्केट बेरिश होती है, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये सेम सीन पाई नेटवर्क के साथ भी हो सकता है अगर ये बिना देखे कभी भी पाई का मेननेट लॉन्च कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो पाई नेटवर्क की जो हाइप है वो सिर्फ एक ही कारण बनी हुई है कि इसका मेननेट लॉन्च होने, जिसकी वजह से कई सारे जो टीम लीडर्स हैं या फिर जो पाई माइनर्स हैं वो लगातार माइन भी कर रहे हैं और अपनी टीम को भी इनकरेज कर रहे हैं। और यहाँ पे पाई न्यूज़ में आप देख सकते हैं एक न्यूज़ आई थी जिसमें लिखा हुआ है पाई फाउंडर एक्सपेक्ट्स टू लॉन्च पाई मेननेट रोड मैप
V1 इन मिड अक्टूबर यानी कि अभी हमें एक महीने की वेट करनी पड़ेगी, और इसी के साथ V2 लॉन्च हो जाएगा इन Q4। अब Q4 यही बनता है, यानी कि अक्टूबर के बाद दिसंबर तक ये 3 महीने जो बनते हैं, इसी में V2 भी लॉन्च हो जाएगा। और ये मैसेज का ये भी बताया गया कि ऑथेंटिकेटेड मैसेज है, वेरीफाइड मैसेज है। तो अगर आप नहीं जानते, पाई नेटवर्क के जो CEO हैं डॉक्टर निकोलस कोकालिस, इन्होंने ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने V1 और V2 अनाउंस कर दिया है कि जल्द आने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी अपडेट्स भी आ रही है कि अभी टीम मेनेट लॉन्च नहीं करने वाली है, इसको डिले किया जाएगा, क्योंकि इसका जो लॉन्च है वो ग्रेजुअल वे में किया जाएगा। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे लॉन्च किया जाएगा। और इसके जो मास होल्डर्स हैं पाई कॉइन के, वो ज़्यादातर हैं चाइना में, वियतनाम, नाइजीरिया, फिलीपींस, इन टॉप कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया भी अभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वहाँ पे जो पाई की कोर टीम है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में अभी पाई की माइनिंग शुरू हो चुकी है, और वहाँ पे भी बड़े लेवल पे माइनिंग करी जा रही है। अब ये जो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करी जा रही है, या फिर पाई नेटवर्क की डिस्ट्रीब्यूशन करी जा रही है, नॉड्स को अलग अलग जगह पे सेट किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मेन नेट की लॉन्च तक, ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे पूरे के पूरे पाई कॉइन्स इकट्ठे हो जाएं। वो चाहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में पाई कॉइन्स हों। अब हो सकता है कि आपको शायद KYC के इश्यूज भी फेस करने पड़ रहे होंगे, तो अगर आपने KYC नहीं किया या नहीं कर पा रहे, नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि आपने KYC किस तरीके से करना है, किस ढंग से करना है, ताकि आपका KYC एक ही बार में सही तरीके से हो जाए और आपको बार बार ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अभी जो प्राइस है बेरिश मार्केट की वजह से $38 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ से अगर प्राइस नीचे को ब्रेक डाउन होता है तो ये $24 तक भी जा सकता है, क्योंकि $36 के आसपास एक सपोर्ट जोन बनता है। तो अगर ये सपोर्ट जोन अच्छे तरीके से काम कर गया तो हो सकता है कि पाई एकदम से रैली भी ले ले, वरना अगर ये सपोर्ट सही ढंग से काम नहीं किया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो प्राइस एकदम से $20 से $24 के आसपास आने वाला है। अगर ब्रेकआउट होता है, यानी कि ऊपर को प्राइस बढ़ता है, तो ये $32 जाएगा, फिर $43, और उसके बाद $48 तक ये पहुँच सकता है। तो ये सारी अपडेट्स पाई नेटवर्क को लेकर, आप कितने पाई कॉइन्स ऑलरेडी माइन कर चुके हैं नीचे कमेंट कर दो, और अपना जो रेफरल लिंक है वो भी डाल दो। एंड हाँ, इसी के साथ साथ अगर आपको पाई की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, या फिर पाई के अलावा किसी और ऐसे माइनिंग कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, क्या उसको माइन करना चाहिए नहीं, नीचे कमेंट कर दो। ऐसे जितने भी माइनिंग वाले कॉइन्स हैं, माइनिंग वाली ऐप्स हैं, उनको हम कवर करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए और आप बिल्कुल क्लियरली डिसीजन लेकर अपना टीम वर्क करें, जैसे कि हम पाई के ऊपर ऑलरेडी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा अगर हम देखें STA टोकन, तो आप देख सकते हैं कि STA टोकन ऑलरेडी फेल हो चुका है। STO की कई सारी मैंने वीडियोस डाली हैं, मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। सिमिलरली हम पाई के ऊपर या फिर ऐसे और माइनिंग ऐप्स के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, ताकि आप एक साउंड डिसीजन ले पाएं और अच्छा प्रॉफिट्स भी अर्न कर पाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।